हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को दयासाई इन्फो में स्वागत है। दोस्तों, आज आप सीखेंगे एमएस एक्सेल में सम फार्मूला का यूज करना, सब्ट्रैक्शन का यूज करना, मल्टीपल का यूज करना और डिवाइड का यूज करना। ये चारों फार्मूला आपको एमएस एक्सेल में यूज करके हम दिखाएंगे कि कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर टाइप कर लेते हैं, जैसे 50 टाइप कर लिए और यहाँ से 80 टाइप कर लिए, यहाँ से हम 20 जितना टाइप कर लें। इसको जोड़ने के लिए आपको हम दो मेथड बताएंगे। सबसे पहला मेथड है आपको इक्वल टू देना है और जिसको जिसको जोड़ना है जो अंक है उसको हम सेलेक्ट करें, क्लिक करेंगे। इसके बाद प्लस का साइन देना है, इसके बाद फिर सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस का साइन देंगे और फिर सेलेक्ट करेंगे और फिर प्लस का साइन नहीं देना। लास्ट में आपको प्लस का साइन नहीं देना, आपको लास्ट में इंटर की प्रेस करना, आपको जुड़ जाएगा। सेकेंड है कि आपको इक्वल टू देना और आपको सम लिख देना है। सम इस प्रकार से निकलेंगे। इसके बाद माउस की लेफ्ट बटन से डबल क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा, नहीं तो आपको कीबोर्ड पे टैब बटन को प्रेस करना है तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जिसको जिसको आपको जोड़ना है उसको हम पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, और आपको ब्रैकेट को बंद करना है और इंटर प्रेस करना है तो जुड़ जाएगा। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन नेक्स्ट है। सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमको यंग टाइप कर लेते हैं, जैसे हम 80 कर लिए, इसके बाद हम यहाँ से 30 कर लेते हैं। आप दोनों को हमको सब्ट्रैक्शन करना है, घटाना तो कैसे करेंगे, इक्वल टू देंगे। इसके बाद आपको फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करना और माइनस का चिन्ह देना, इसके बाद नेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और आपको इंटर प्रेस करना है। अगर ये तीनों को आपको किसी में से घटाना है तो क्या करेंगे, फिर इक्वल टू देंगे। इक्वल टू देने के बाद आपको जैसे 80 में से दोनों को घटाना है तो 80 को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से माइनस का चिन्ह देंगे, इसके बाद 30 प्लस करेंगे, इसके बाद फिर माइनस का चिन्ह देंगे, इसके बाद फिर 50 सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको इंटर प्रेस करना। तो इस प्रकार से आपको क्या होगा कि सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है मल्टीपल। मल्टीपल के लिए आपको कोई भी नंबर हम यहाँ पे टाइप करते हैं, जैसे हमको करना है 15 है और नेक्स्ट में है यहाँ पे 20। आप दोनों को मल्टीपल करना तो क्या करना, फिर से इक्वल टू का साइन देना है, इक्वल टू का। इसके बाद जिसको सेलेक्ट करना है इसको सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद आपको गुना का चिन्ह देना है, इसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको कीबोर्ड पर इंटर प्रेस करना तो मल्टीपल हो जाएगा। नेक्स्ट है डिवाइड। डिवाइड करने के लिए आपको जैसे कि कोई भी हम यहाँ पे 300 देते हैं और नेक्स्ट में हम यहाँ पर देते हैं 15, तो डिवाइड करना तो हम यहाँ पर भी इक्वल टू का लगाएंगे साइन, इक्वल टू लगा लेंगे, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद डिवाइड का साइन देंगे और उसके बाद हम 15 का सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे। तो इस तरह से आपको सभी फार्मूला का यूज करना हम सिखा दिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट, शेयर और लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।